वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए कॉर्न चाट की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बारिश के मौसम में तो भुट्टा चाहे रोस्ट करके खाया जाए या बॉयल या चाट बना करके, सभी तरीके से बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इसकी चाट बनाते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक इस साइज़ का भुट्टा लिया है और उसे ऑलरेडी छील करके रख लिया है और दो पार्ट भी कर लिया उसके। अब हमें इन्हें बॉईल करना है। उसके लिए मैंने एक बर्तन में ऑलरेडी पानी गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें भुट्टे डाल दूँगी। आप चाहें तो इसके दाने निकाल करके भी बॉईल कर सकते हैं, पर इस तरीके से भुट्टे अच्छे बॉईल होंगे और इनका टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और अगर आप टाइम थोड़ा बचाना चाहते हैं, जल्दी में है, तो प्रेशर कुकर में भी इन्हें बॉईल कर सकते हैं। 10-15 मिनट बाद मेरे भुट्टे उबल चुके हैं। अब मैं इनको ठंडा कर लूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से इनके दाने निकाल के ले लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इनको साइड में रख लेंगे और इसकी चाट बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। जो प्याज नहीं खाते इसकी जगह खीरा या कोई भी ककड़ी यूज़ कर सकते हैं। और एक बारीक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। बच्चों के लिए बना रहे हैं आप अगर, तो हरी मिर्ची अवॉइड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं ये भुट्टे इसमें डाल दूँगी। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। अगर आपके भुट्टे ठंडे हो गए हैं हल्के फुलके, तो आप इसमें थोड़ा मेल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि बटर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि मेरे यहाँ पे भुट्टे गर्म थे थोड़े, तो मुझे दिक्कत नहीं आई बटर मेल्ट करने में इस तरह से। अब जो है मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितनी इमली की चटनी डाल रही हूँ, ये लीजिए। इसके बाद मैं इसमें मेयोनीज़ डालूँगी। मेयोनीज़ कोई भी ब्रांड का यूज़ कीजिए आप। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून के आसपास इसमें मेयोनीज़ ऐड किया है और इसमें जो है मेयोनीज़ का मेन फ्लेवर आता है, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, तो 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून भुना जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/4 टेबलस्पून काला नमक और 1 पिंच जितना गरम मसाला। इसके बाद हम इसमें 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रहे नमक हमने पहले थोड़ा काला नमक यूज़ कर रखा है इसमें। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा नींबू का रस डाल देते हैं और इसके बाद कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हमने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, ताकि जो ये सारे मसाले मेयोनीज़ सारे एक दूसरे में मिक्स हो जाए, अच्छे से भुट्टे पे लग जाए। और इस तरह से मिक्स करेंगे, ये लीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसको आपको थोड़ा टैंगी टेस्ट भी आएगा और मेयोनीज का भी अच्छा फ्लेवर आएगा और हर मसाले का इसमें उभर करके टेस्ट आ रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। ये मेरी चाट तो बन करके रेडी हो गई है और इससे मैं गर्मा गर्म सर्व करूँ स्ट्रीट स्टाइल में, इस तरह से एक डिस्पोजल में डाल करके। तो ये लीजिए, ये मैंने इस डिस्पोजल में ये चाट डाल दी है और ये हमारी गर्मा गर्म कॉर्न चाट बन करके रेडी है और इसको मैं सर्व कर दूँगी। आप भी अपने घर पर बनाइए और खाइए और अपना रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही रेसिपीज़ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।